डॉक्टर साहब, एक लर्ज का नींव सी, वो मर के पत्थर हो गया। दूसरा उस हादसे तो डर के पत्थर हो गया। तीसरा एक शायर सी बजदा, संवेदना संग लर्जदा, इन्ने पत्थर वो गिनती करके पत्थर हो गया। तो मेरा सवाल ये है जी, जे ये एक शायर का पत्थर हो जाना, जे वो जो हिम्मत हार जाता तो समाज नू सेध कौन देगा, तो क्यों हिम्मत हार जाता? नहीं, ये कोई मतलब हिम्मत हारन की गल नहीं है, एक स्थिति का बयान आ। एक सिचुएशन सी जिहड़ी जदों पाश की हत्या हुई आ, तो पाश की हत्या ते असी अपनी यूनिवर्सिटी विच एक शोक सभा बुलाई, जिस बहुत वड्डे हॉल च बुलाई, लेकिन इन्ना डर और इन्ना पथरायापन सी कि सिर्फ 13-14 व्यक्ति हाजिर होए, विद्यार्थी ते दूसरे जो अध्यापक मिला के। सो एक वो सिचुएशन का ये बयान आ। तो सिचुएशन का बयान जिवें कहानी वांग तुसीं एक बयान करदे हो, है ना। सो उहदे उस गल का अंत नहीं आ। जिदा मैं तुहानूं मिसाल देना, कई बार उस किसी पुरानी कविता चो नवें पत्ते फुटदे आ। कि मैं एक बार बहुत उदास सतरां लिखिया सी, मैं लिखिया सी कि मातम हिंसा खौफ बेबसी ते अन्या, इहने अजकल मेरे पंजां दरियावां दे नां। तो बहुत चिर कविता इहो इन्नी रही, लेकिन एक दिन मैं अचानक लगा कि इत्थे गल खत्म थोड़ी हो गई। मैं वह कविता मुकम्मल कीती, ते उस तरह उही सी पहलियां कि मातम हिंसा खौफ बेबसी ते अन्या, इहने अजकल मेरे पंजां दरियावां दे नां, जो हुंदे सन सतलुज ब्यासा रावी जिलम अते चना, पर जेड़े एक दिन होवणगे राग शायरी हुसन मुहब्बत अते न्या, मेरे पंजां दरियावां दे नां। सो जिहड़ा वो एक लंबा, तुसीं कई बार एक लड़ाई हारदे आ पर वो जंग नहीं हारे हुंदे, कि तुसीं एक बैटल हार जाने आ, तो पर वो जिहड़ी एक वड्डी जंग आ वो तो हमेशा जारी रहिंदी आ। सो पंजाब दे दरियावां दे नवें नावां लई कवि हमेशा संघर्ष करते हैं, डिगण डिग के फिर उठ पेंदे आ, और फिर कभी डिगना पै डिग पेंदे आ। तो मैं समझदा कि इहदे विच जिहड़ी इह आशा निराशा दा जिहड़ा एक संघर्ष है, ये हर कवि दे विच चलदा रहिंदा, कि हर समाज च भी कई बार समाज निराशा च डुब जांदा कि इत्थे कुछ नहीं हो सकदा, कोई नवीं लहर उठदी आ, कोई नवां ख्याल उठदा, तो वो जानी समाज भी वो सभ्याचार भी वो कवि भी उठते हैं। सो मेरी कविता दे विच भी ये जिहड़ा ये मोमेंट सीगा, इहो एक बहुत उदास पल सीगा, लेकिन मैं तो कहना कि बलदा बिरखा खत्म हाँ, बस शाम तीख हाँ, फिर भी किसी बहार की करदा उड़ीक हाँ। सो ये आशा निराशा मेरी कविता का एक हिस्सा है, लेकिन उहदे विच आशा का पलड़ा हमेशा भारी रहिंदा, जिवें कि असीं जाई पत झड़ तां फिर की है, तू अगली रुत ते यकीन रखी, मैं लभ के कित्यों लियाउणा कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। मर रही है मेरी भाषा, वो जिहड़ी ये भाषा साडी मर रही है, ते इस नूं असीं किवें बचा सकदे हां अज दी घड़ी? जिहड़ी ये भी कविता सी मर रही है मेरी भाषा, ये शुरू इत्थों हुंदी है कि मर रही है मेरी भाषा, पर जिहड़ा अंत हुंदा कि साडे सभना दे मरण बाद ही मरेगी साडी भाषा, भी कदी नहीं मर सकदी। तो भाषा नूं बचाउण दा, भाषा नूं मैं लिखिया सी कि लगभग 15 मैं धिरां गिणियां सी जिहड़ियां किसी भाषा नूं बचा सकदियां जां मरण हारी कर सकदियां, कि जिहदे विच लोक ने, लिखारी ने, गायक ने, सरकार है, विद्यक अदारे आ, टैलीविजन आ, रंगमंच है, और प्रकाशक है, मीडिया है, और साडे जिहड़ी समझो धर्म ने, कि इदां इह तरां ने। पर जिहड़े हले सब तो वड्डियां तरां समझ लो कि विद्यक अदारे आ, साडे लोक आ, साडे लेखक आ, ते सरकार आ, कि विद्यक अदारे खास करके जिहड़े स्कूलां दे विच आ, कि उहदे च इहदे प्रति एक घटियापन दा अहसास पैदा करदे, खास जिहड़े जिहड़े प्राइवेट स्कूल ने उहनां च जिहड़ा है कि ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਰਹਿਮ ਔਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਦਮਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪੇ ਦਾ
अपने ही विरसे प्रति घटियापन पैदा करना, ये तो वड्डी कोई वड्डा कोई गुनाह और मूर्खता नहीं हो सकती। सो ये भी एक ये आ कि वो विद्यक दायरा के विच वो चीज़ की मनाही चाहिए। दूजी वड्डी गल है कि सानू साडे लोकां नू पंजाबी बोलण विच पंजाबी लिखण च एक माण होना चाहिए, माण प्राप्त होना चाहिए। तो मैं अज भी मंच ते गल कीती सी कि हो सकता कि आने वाले हुण थोड़े समय विच इन्हां भाषावां दे सब भाषावां दे बचण दा भी एक वधिया तरीका निकल आवे। जिवें ओह सी कि आपां कहिंदे कि हुण AI बहुत तरक्की कर रही है कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, तो जिहड़ा मशीनी अनुवाद है वह भी कुछ सालां च बहुत ज़्यादा समझो एडवांस्ड हो जूगा, बहुत उन्नत हो जूगा कि जिदा तुसीं एक कोई बटन दबो तो तुसीं वह सारा आर्टिकल अंग्रेज़ तो पंजाबी चला जाओ जां किसी मराठी च लै लो, तो उहदे नाल की हो कि उहदे नाल असीं अपनियां जबानां बचदियां बोलदियां रख सकदे। हुण अज मैं कहिंदा अज मैं जे इत्थे मैं पंजाबी च बोलदा लेकिन नाल दी नाल उहदा जे इंग्लिश च ट्रांसलेशन स्क्रीन ते आई जांदा, सो ये ना ये जिहड़ी संभावना ने बहुतियां दूर नहीं हैगियां, ये बहुत जल्दी होण वाला। सो मैं ये भी एक समझदा कि मैनूं इस विच भी आस है कि ये जिहड़ा तकनीकी उन्नति है ये भी संभव है कि साडियां भाषावां नूं बचाउण दे विच मदद करे। की कारण है कि पहला कोई समा हुंदा सी कि लेखक घट हुंदे सी पर जाने ज़्यादा जांदे सी, अज सोशल मीडिया का दौर है इन्ना ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, असीं TV है सब कुछ है, पर साडे जिहड़े बच्चे ने साडे जिहड़ी नवीं पनीरी है उन्हां नूं गिणती मिणती दे ही जो लेखक ने कवि ने वो याद ने। बस तुसीं तुहाडे प्रश्न विच ही उत्तर है जी, क्योंकि इस वेले मैं अज भी वैसे भी हुण हर इस वेले हर बंदा लिखारी है तो हर बंदा प्रकाशक है कि तुसीं व्हाट्सएप ते कुछ पाउंदे हो तुसीं लिखारी हो गए, फिर तुहानूं लोकां ने सिफत भी करती, वो भी तुहानूं प्रशंसा भी आएगी, तुसीं आप ही अपनी लिख लिया और प्रकाशित भी उन्हों कर लिया। सो एक इन्नी इन्निया समझ लो सोमिया तो चीज़ा आ रही और पल पल आ रही पल पल तुहाडे मोबाइल में ही सारा कुछ आ गया और पल पल तुसीं उत्थों नज़र नहीं हटा सकते। सो वो भी एक बड़ा कारण है। सो ये कुछ हामुखी रिजल्ट भी होंगे तो कुछ नामुखी भी। हामुखी भी है कि चलो हर बंदे नूं एक प्रगटा दा साधन मिलिया अपने प्रगट करन दा, और दूजी है कि उहदे नाल हुंदा कि जिहड़ी कई बार जिहड़ी वड्डियां लिखतां वह लुकियां रह जांदियां ते छोटे छोटे टोटके जां छोटे छोटे शेयर जिहड़े वह प्रचलित रहिंदे आ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।